अस्सलामु अलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज हम दोबारा से मौजूद हैं मुजाहिद कॉलोनी में एक नई अपडेट के साथ। और आज जुमेरात का दिन है, और डेट अगर मैं आपको बता दूं तो आज 8 तारीख है, 8 दिसंबर है। और मुजाहिद कॉलोनी में जो ताज़ा तरीन सूरत हाल बस यही है कि अब ज़्यादा इनका फोकस जो है यहाँ पे इस जगह पे इस यहाँ पे एक रोड बनेगा तो मलबा जो है वो क्लियर करने का है। तो जब हमने यहाँ पे विज़िट किया तो हमें बहुत सारे यहाँ पे डंपर जो ट्रक होते हैं वो खड़े नज़र आए, और उसके अंदर जो है ना ये बहुत तेज़ी से जो है ना मलबे को शिफ्ट कर रहे हैं, और मलबे को यहाँ से निकाला जा रहा है, इलाके को क्लियर किया जा रहा है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, ये 2-3 तो नज़र आ चुके हैं, आगे भी चलते हैं, शायद आगे भी कोई हो, वो सामने भी बहुत सारे खड़े हुए हैं। तो अब ये है कि ये मलबा यहाँ से क्लियर होगा, ये जगह क्लीन होगी, तभी यहाँ पे मज़ीद काम रोड बनाने का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो सकेगा। जी, तो आपने देखा स्क्रीन पे कि यहाँ पे इस रोड पे तकरीबन जो कि काफ़ी मेन रोड है, खुला वाला रोड है, यहाँ पे ये मलबा जो है ना वो क्लियर हो रहा है। और इसके अलावा आगे भी चलते हैं, आगे जहाँ पे मशीनें वगैरह लगी हुई हैं, डिमोलिशन का काम चल रहा है, वो भी हम आपको दिखाते हैं, उसकी क्या कंडीशन है वो भी हम आपको दिखाते हैं। तो ये आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि जैसे किस तरह से मशीन जो है ना पूरा जो है वो मलबा जो है ना पत्थर वगैरह सब चीज़ें जो है ना उठा उठा के ट्रक में भर रही है, और फिर वे एक एक करके जो है यहाँ से इसको ले शिफ्ट करते जाएंगे यहाँ से। तो इसी तरह से बहुत जल्द उम्मीद है कि बहुत जल्द ये वाला जो इलाका है, ये वाली जो रोड है, ये बहुत जल्द जो है ना क्लियर हो जाएगी, क्योंकि इस पर सबसे ज़्यादा फोकस क्लियर करने का अभी फ़िलहाल इन्हीं का इसी पे है। और अंदर जो है वो मशीनरी काम कर रही है, लोग अपनी मैनुअल तौर पे खुद भी अपनी बिल्डिंग्स को जो है ना वो तोड़ रहे हैं, और कुछ मशीनरी की भी हेल्प ले रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जो है ये सारे तकरीबन पट्टी है पूरी क्लियर कर दी गई है, तो यहाँ पे जस्ट मलबा है और कुछ भी नहीं है, या कुछ सरिया वगैरह पड़ा हुआ है। अच्छा, ये काम तो चले यहाँ चलता रहेगा, अब एक काम करते हैं आगे की तरफ चलते हैं, उस तरफ चलते हैं, देखते हैं वहाँ क्या कंडीशन है, सर करंट सिचुएशन क्या है। अभी तो यहाँ पर रास्ते में हर तरफ बर्बादी और वीरानी और पत्थर मलबा यही सब चीज़ें दिख रही हैं। कभी वक्त था कि बहुत अच्छे अच्छे घर बने हुए थे, लेकिन अगर नजायज़ तो ज़ाहिर है उनको ये एक ना एक दिन तो ये चीज़ें होनी थी। अच्छा चले, अभी हम लोग आ गए हैं यहाँ पे जो गनी हाउस है, जो कि काफ़ी मशहूर फेमस बिल्डिंग है यहाँ की मुजाहिद कॉलोनी की, उसके पास हम पहुँच चुके हैं। तो यहाँ पे हमने देखा बस समझे, हम जब हम गुजर रहे थे तो वो वाला हाल था कि आसमान से पत्थर बरस रहे हैं, और कहाँ से बरस रहे हैं ये नहीं दिख रहा।
तो जब नजरें उठाई देखी तो भाई ऊपर ये जो मजदूर हैं वो लगे हुए हैं और उसको तोड़ रहे हैं बिना किसी सेफ्टी के। पब्लिक सारी आवाम नीचे गुजर रही है, गाड़ियां गुजर रही हैं, हम खुद गुजर के आए हैं। तो हमने थोड़ा रुका रुक के हमने बोला थोड़ी इसकी वीडियो बनाते हैं, देखते हैं भाई ये किस तरह से तोड़ रहे हैं। तो ये बिल्कुल भी जो है ना सेफ नहीं है। इसके बारे में मुझे ये चीज़ बोलनी थी कि यहाँ पर इन चीज़ों का भी ख्याल रखा जाए। ये ऊपर अभी शायद वो क्लिप मुझसे मिस हो गए हैं या मैं चेक करूँगी कि इसमें मैंने ऐड किए या नहीं। तो इसमें पूरे पूरे इतने बड़े जो पत्थर हैं वो नीचे गिर रहे थे और वो किसी किसी किस्म का भी हादसा जो है ना पेश आ सकता है, क्योंकि वो बिल्कुल लोग नीचे से गुजर रही हैं। देखिए बाइक्स गुजर रही हैं, लोग गुजर रहे हैं, गाड़ियाँ गुजर रही हैं, ये ऑटो वाला गुजर रहा है। और ये देखें ये कितना बड़ा पत्थर है जो ऊपर से गिरा है। और ये इतना ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है कि आप बोलेंगे बहुत दूर है, पब्लिक बहुत दूर चल रही है। तो इन चीज़ों का भी ख्याल रखना चाहिए, इनसे कुछ ना कोई हादसा पेश आ सकता है। बच्चे भी गुजर रहे हैं, बड़े भी गुजर रहे हैं, तो ये चीज़ थोड़ी सी अच्छी नहीं है। तो बाकी ये अपनी जो है ना जो आखिरी सफ़र पे रवाना है इस वक्त गनी हाउस बेचारा, ये भी अब जो है ना ख़त्म होने के करीब है। और इसका हमने अंदर से विज़िट भी करवाया था आपको, इनका जो ऑनर थे उनका हमने इंटरव्यू भी किया था, इसके बारे में सारी डिटेल्स आपको दी थी। तो ये देखिए आप, ये इसको तोड़ा जा रहा है। चलें जी आज के लिए काम करते हैं, बस इतना ही करते हैं। यहाँ पे बहुत तेज़ी से काम चल रहा है। इंशाल्लाह कल इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ हम दोबारा से हाज़िर होंगे, नई अपडेट के साथ हाज़िर होंगे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों को एक वीडियो में जो है ना अपडेट करना वो पॉसिबिलिटी नहीं होती। तो इंशाल्लाह या तो शाम में एक और वीडियो ऐड कर देंगे या फिर कल एक वीडियो लगा देंगे नई। तो आज के लिए बस इतना ही। ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।